नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों पर कांग्रेस एक्शन ले सकती है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी सुलभा खोड के जीशान सिद्दीकी, हीरामन खोशकर, जितेश अंतापुरकर और मोहन राव हंबड़े पर एक्शन लेगी। माना जा रहा है कि इन विधायकों को निलंबित किया जा सकता है, साथ ही इन विधायकों का पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट काट सकती है और उनकी जगह नए चेहरों को टिकट देगी। सुलभा खोड के अमरावती सीट से विधायक हैं, वहीं जीशान बांद्रे ईस्ट, हीरामन खोशकर इगतपुरी और मोहन राव हमबेड़ नांदेड़ दक्षिण से विधायक हैं। जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी ने लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार गुट का दामन थाम लिया था। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 11 सीटों पर 12 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में सत्तारूढ़ महायुत ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसके सभी कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की। वहीं महाविकास आघाड़ी के 2 प्रत्याशियों को जीत मिली। चुनाव में 12 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था। महायुत की तरफ से बीजेपी के 5 प्रत्याशी पंकजा मुंडे, योगेश तिलकर, प्रणय फूके, अमित गोरखे और सदाभाऊ ने जीत दर्ज की। वहीं सिंधे गुट की शिवसेना ने 2 प्रत्याशी कृपालू तुमाने और भावना गवली को टिकट दिया था। दोनों ने जीत हासिल की। अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से शिवाजी राव गर्जे और राजेश वितेकर उम्मीदवार थे। शरद पवार की एनसीपी ने प्रत्याशी न उतारकर भारतीय शेतकारी कामगार पार्टी के जयंती पाटिल को समर्थन दिया था। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञा यादव को 25, मिलिंद नार्वेकर को 22 और जयंती पाटिल को कुल 12 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार को जीत के बाद भी कम वोट मिलना पार्टी के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं था। माना गया कि कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के 37 विधायक है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।